नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे। भारत ने दिया चीन को झटका, इसराइल के लिए ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, जापान में खड़ा हुआ नया आंदोलन और तैनात हुआ रोबो चौकीदार। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे, पैदा होते ही बच्चा बना सुपरमैन। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वमित्रा। चीन ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत का साथ नहीं दिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उसने अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ किया। अब भारत ने अपनी तरह से इसका जवाब देना तय किया है। भारत ने साफ संकेत दिया कि वो दूसरी बार भी बेल्ट एंड रोड फोरम यानी OBOR का बहिष्कार करेगा। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भारत ने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। चीन की इस बेल्ट एंड रोड फोरम का मकसद सड़कों, राजमार्गों और समुद्री मार्गों के विशाल नेटवर्क के जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ना है। इस परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इससे पहले साल 2017 में भी भारत ने बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि इससे भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होता है। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि चीन अगले महीने बड़े स्तर पर दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल होंगे। और चीन में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शामिल होगा, लेकिन चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने साफ कहा कि कोई देश ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा नहीं हो सकता जो स्वायत्तता और क्षेत्रीय अखंडता की उसकी मुख्य आपत्तियों को नजरअंदाज करती हो। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अपने विचार गोपनीय नहीं रखे और बेल्ट एंड रोड मुहिम को लेकर हमारी स्थिति स्पष्ट और साफ है। हमारा मानना रहा है कि कनेक्टिविटी की मुहिम वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों, बेहतर संचालन और कानून के दायरे में होनी चाहिए। गौरतलब है कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत कई देश OBOR प्रोजेक्टों पर अपनी चिंता जताते रहे हैं, जिसने कई छोटे देशों को कर्ज संकट में डाल दिया है। कर्ज के चलते ही श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया है। मलेशिया और पाकिस्तान भी कर्ज संबंधी चिंताओं के कारण चीन के प्रोजेक्ट को कम करना चाहते हैं। चीन की महत्वाकांक्षाएं दुनिया के माथे पर बल ला देती हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐसा ऐलान किया जिससे अरब देशों और इसराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप ने गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल के हक को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल के प्रभुत्व को मान्यता देगा। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, 52 सालों के बाद अब समय आ गया है कि जब अमेरिका गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे, जो कि इसराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस ऐलान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा, ऐसे समय में जब ईरान इसराइल को बर्बाद करने के लिए सीरिया को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल प्रभुत्व को मान्यता दी है, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। इजरायली मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस अगले हफ्ते गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल के प्रभुत्व को मान्यता देने की औपचारिक घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इसराइल ने गोलन पहाड़ी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी मानता है और उसे सीरिया को लौटाने के लिए कहता है। गौरतलब है कि 1948 में इसराइल के गठन के बाद से ही यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। यहूदियों के हमलों से पस्त तब हजारों फिलिस्तीनी लेबनान और मिस्र चले गए थे और अरब देशों और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ता रहा। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाली थी। इसराइल और इसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। ये युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मिडिल ईस्ट संघर्ष का स्वरूप ही बदल गया। इसराइल ने मिस्र को गजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया, जिसके कारण 500,000 और फिलिस्तीन बेघर हो गए। अरब लीग के सदस्य देश मानते हैं कि गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर सीरिया का अधिकार है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने कहा कि संगठन गोलन पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दे पर सीरिया का समर्थन करता है। तो अब देखना होगा कि गोलन पहाड़ी पर इसराइल के अधिकार को मान्यता की घोषणा से क्या असर होता है। अगर इससे तनाव बढ़ता है तो ये विश्व शांति के लिए सही नहीं होगा। वैसे इस वक्त दुनिया को जेसिंडा अर्डन जैसे नेताओं की जरूरत है जो नफरत की जगह प्यार का संदेश दे रही हैं।
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में पिछले हफ्ते दुखद घटना के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने माहौल को संभाला, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। जेसिंडा अर्डन ने मंगलवार को गमगीन माहौल में संसद सत्र को संबोधित किया और वादा किया कि इस हमलावर का नाम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ताकि उसे किसी तरह का प्रचार न मिल सके। काले रंग के लिबास में 38 साल के अर्डन ने कहा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकतहू, अल्लाह की दुआ, अमन और रहम आप सब पर बना रहे। अर्डन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए देश में राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक गन्स की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। बैन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, आज मैं ऐलान करती हूं कि न्यूजीलैंड में सभी मिलिट्री स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा हम असॉल्ट राइफलों पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। यही नहीं, पीएम ने पहले से लोगों के पास मौजूद हथियारों के लिए बायबैक स्कीम चलाने का भी ऐलान किया। इन हथियारों को 100 से 200 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर में खरीदा जाएगा। वाकई जेसिंडा अर्डन के फैसले काबिले तारीफ है और दुनिया के तमाम देशों, खासकर अमेरिका को इससे सीख लेनी चाहिए। अर्डन दुनिया में महिलाओं की ताकत को भी नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। इधर जापान में महिलाओं को अपने हक के लिए जूझना पड़ रहा है और इसके लिए वहां शुरू हुआ है एक नया आंदोलन। देखिए रिपोर्ट। जापान में पश्चिमी देशों में शुरू हुए मीटू अभियान की तरह एक अभियान #कूटू चल रहा है। यह अभियान दफ्तरों में ड्रेस कोड के खिलाफ है। दरअसल जापान के दफ्तरों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। पुरुषों को फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ क्लीन शेव रहना जरूरी है। वहीं महिलाओं के ड्रेस कोड में हाई हील्स भी शामिल हैं। हाई हील्स के कारण कई बार महिलाओं को तरह तरह की शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसी के विरोध में महिलाओं ने सोशल मीडिया पर यह अभियान शुरू किया है। ड्रेस कोड और हाई हील्स के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स हाई हील्स और फॉर्मल ड्रेस कोड अनिवार्य रखने को पुरानी सामंती मानसिकता को ही आगे ले जाने वाली परंपरा बता रहे हैं। हाई हील्स के विरोध में महिलाओं का तर्क है कि इससे एड़ी में दर्द, कमर दर्द जैसी कई शारीरिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। महिलाओं ने इसके विरोध में लिखा, जूते पहनने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यह एक तरह की औरत विरोधी मानसिकता है जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य की अनदेखी कर हाई हील्स पहनने पड़ते हैं। अपने हक के लिए महिलाओं को लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है, बिल्कुल चौकीदार की तरह। वैसे इस वक्त भारत में चौकीदार पर सियासत तेज है। उधर चीन में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए रोबो चौकीदार तैनात कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में मेयुआन समुदाय के लोगों ने अपनी तरह का पहला रोबोट चौकीदार तैनात किया है, जो लोगों के चेहरे की तस्वीरों को कैद कर सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। इस रोबो के आने के बाद अब रात में किसी व्यक्ति को चौकीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजिंग एरोस्पेस ऑटोमेटिक कंट्रोल इंस्टीट्यूट यानी BAACI के परियोजना निदेशक लियू गांगजुन ने बताया कि रोबो मेईबाओ न केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखता है, बल्कि बीजिंग में मेईयुआन समुदाय के लोगों को उपयोगी जानकारी भी मुहैया कराता है। उन्होंने बताया कि इस रोबो का दिसंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक परीक्षण किया जा रहा है। लियू ने बताया कि BAACI ने चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी की मदद से इसे विकसित किया है। उन्होंने बताया कि अगर सोसाइटी में कोई संदिग्ध दिखता है तो मेईबाओ उसे पहचान लेगा और अलार्म बजने लगेगा। यह रोबो मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकता है और मजेदार कहानियां तथा गाने भी बजा सकता है, जिससे कई बच्चे उससे बात करने के लिए आकर्षित होते हैं। और आखिर में खबर दुनिया रंग बिरंगी से। सुपर हीरो बनना हर बच्चे का ख्वाब होता है और वे कई बार सुपरमैन, बैटमैन या शक्तिमान की तरह हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई नवजात सुपरमैन बन जाए? देखते हैं रिपोर्ट। ब्रिटेन में एक नवजात की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो पैदा होते ही सुपरमैन की तरह पोज दे रहा है। उसके पिता ने अपने बच्चे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, एक छोटे सुपरमैन का आगमन। इस तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। खबर के मुताबिक यह बच्चा 10 महीने गर्भ में रहने के बाद पैदा हुआ और जन्म के समय इसका वजन भी सामान्य से ज्यादा था। यह नवजात 4 किलो का था। बच्चे के माता पिता ब्रिटेन के साउथ वेल्स के रहने वाले हैं। बच्चे का नाम हैरी है, जो अब 4 साल का हो चुका है। हैरी की मां का कहना है कि बच्चा सामान्य तौर पर आकार में बड़ा था, इसलिए 10 महीने के बाद योजना के मुताबिक ऑपरेशन कराया गया और बच्चे का जन्म हुआ। पैदा होते ही उसने बंद मुट्ठी के साथ एक हाथ आगे किया और बिल्कुल सुपरमैन के अंदाज में नजर आया। पूत के पांव पालने में ये बात हैरी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़ा होकर वो सच में सुपरमैन तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके जैसी लोकप्रियता हासिल करे, यही दुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।